हे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन डब्बा गोश्त। उसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन विद बोन्स। अब चिकन में जाएगा एक ग्राइंडेड मसाला, उसके लिए मुझे लगेगा जिंजर, गार्लिक, जीरा। और मसाला में ऐड कीजिए कोरिएंडर, कोथमीर। चिकन में ऐड करेंगे सॉल्ट, 2 slice अनियंस। अब हम ऐड करेंगे ग्राइंडेड मसाला, अब करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। अब हम चिकन को लेंगे 2 whistles। अब हम बनाएंगे उसका मसाला, जिसके लिए हम लेंगे 4 tablespoon कैजूज। अब ऐड करें 4 tablespoon बिरिस्ता, अनियन बिरिस्ता। अब ऐड करें 4 tablespoon कर्ड, मैंने ऐड किया है 4 tablespoon कर्ड। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब विसल ओपन करने के बाद आप इसे अच्छे से भून लें ताकि पानी जो है वो सोख हो जाए। अब एक दूसरी कढ़ाई में हम लेंगे ऑयल और उसमें ऐड करेंगे ड्राई मसालाज। ये है हल्दी, धनिया, जीरा, रेड चिली पाउडर 1 teaspoon ईच। अब ऐड करेंगे सब ड्राई मसालाज। अब ऐड कर देंगे चिकन मसाला। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। जो हमने बिरिस्ता और दही और काजू का जो पेस्ट बनाया था, इससे हम अच्छे से सॉटे करेंगे चिकन के साथ। अब हम उसे जब तक कुक करेंगे जब तक ऑयल ना छूटने लगे। अब हम एक डिश में इस तरीके से नीचे घी लगाकर ये चिकन के मिक्सचर को रख देंगे। अब मैं इस पर रखूँगी स्लाइस टमेटोज। अब रखेंगे बॉइल्ड एग पीसेस। अब रखेंगे फ्राइड आलू पीसेस। आप बॉइल्ड आलू भी बॉइल्ड पोटैटोज भी रख सकते हैं। अब मैं 2 eggs को इस तरीके से बीट कर लूँगी और मैं इस एग को पूरे मिक्सचर के ऊपर डाल दूँगी। अब मैं घी को हॉट करके इसके ऊपर इस तरीके से डालूँगी कि थोड़ा सा एग कुक हो जाए। आप देख सकते हो कहीं कहीं एग कुक हो गया है। मैंने एक तवे को गर्म पर रख दिया है। अब मैं इसे दम पर रख दूँगी। आप चाहो तो इसे OTG ओवन में भी कुक कर सकते हैं। अब हम इसे 10 minutes बाद ओपन करेंगे। यह आपका डब्बा गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी है।